आपको पता है जब ब्रह्मा जी ने अपने जीवन की पहली बार वैकुंठ धाम का दर्शन किया था तब उन्होंने क्या क्या देखा था। ब्रह्मा जी कठोर तपस्या संपन्न होने के बाद भगवान प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम का दर्शन कराते हैं। वैकुंठ धाम जहाँ वह क्लेश मोह माया का कोई स्थान नहीं है, जहाँ पे भगवान के नित्य पार्षद बास करते हैं। उन सारे पार्षद चतुर्भुजधारी उज्जवल स्वयंवर नारद तेजस्वी है। ब्रह्मा जी देखते कि उन सारे दिव्य पार्षदों के विमान एक जगह पे स्थित है। लक्ष्मी देवी अति सुंदर रूप धारण करते हुए भगवान श्री हरि के चरण कमल का पूजन करते है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि इन सारे ब्रह्मांड के रचयिता साक्षात भगवान श्रीहरि वहाँ पे विराजमान है। ब्रह्मा जी और भी देखते हैं कि सुनंदा नंद प्रबल अरहन जैसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद श्रीहरि के सेवा में व्यस्त है। भगवान श्रीहरि ब्रह्मा के आराधना से संतुष्ट होकर उनके पास आते हैं और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर कुछ ऐसे बोलते हैं जिसके कारण ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ था। अगले भाग जानने के लिए सब्सक्राइब करें।